ओम शांति। 26/12/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न: विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर: विनाश का समय नजदीक होगा तो पहला, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठवा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतींद्रिय सुख में रहेंगे। गीत: इस पाप की दुनिया से, ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती, यह अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब हैं झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। इनसे एडॉप्ट करते हैं इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद ना करो, या बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, वह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामे कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं, बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से, यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के।
जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और उच्च पद भी वही पा सकेंगे। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है, भी बहुत सहज, परंतु माया का ओपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है। अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है, बाबा ने समझाया है। यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है, यह भी समझते हैं, सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। आखिरी पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा, अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है, हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है, कोई निकल पढ़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भाती, जैसे क्रिश्चन या मिशन के क्रिश्चन भाती बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भाति। इसलिए गायन है, अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्माभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को चित्र से समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है, नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी, आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर, फिर यह सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी, क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं, हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे, यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे।
यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू हो जाती है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, हम तो ऑलराउंडर पाठ बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पाठ है, तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं ना, यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल होती है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं, भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं, यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की वह जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। यह पढ़ाई है अच्छी रीति, पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, डिफिकल्टी की बात नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारे वस्तु, प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं, किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है, ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाएंगे। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी वन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है।
बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यह वनवाह में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहज सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।